Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. हाथ पैर से मोहताज यह एक व्यक्ति की व्यथा है। गरीबी में घर चलाने के लिए किसी तरह ई रिक्शा खरीदी, लेकिन प्रसाद चढ़ाने जाते हुए ट्रैफिक पुलिस ने उसका प्रसाद ही काट दिया, यानी न सिर्फ चालान काटा बल्कि ई रिक्शा को भी सीज कर दिया। बताया कि अब 9 तारीख को जुर्माने की पर्ची कटवाकर ई रिक्शा ले जाना। पुलिस अफसर से गुहार लगाई तो वहां से भी यही जवाब मिला कि 1000 रुपए की पर्ची कटवाकर 9 मार्च को ई रिक्शा ले जाना। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इन 2 दिन में विकलांग क्या करे। अगर उसके जुबानी पर ही यकीन करें तो ई रिक्शा के अभाव में घर का खर्चा न ले जाने पर उसे उसकी बीवी पीटेगी। बीवी को तो बस खर्चे से मतलब है, कहीं से भी और कैसे भी वह लाए। और मेरठ के जाहिदपुर निवासी मोहसिन से ही सुनिए उसी की जुबानी, उसकी ही कहानी यानी व्यथा। मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन है। मोहसिन, क्या मामला हुआ आपका? मामला यह है सर, मैंने गाड़ी निकाली नहीं मिनी मेट्रो। मैंने भैया से कहा, भैया आप गाड़ी बाद में घर लाना, पहले आप गाड़ी के नाम का प्रसाद चढ़ाई जाओ। भैया प्रसाद चढ़ाने जा रहे थे तभी रास्ते में ट्रैफिक वालों ने पकड़ ली गाड़ी, और पकड़ के कुछ ना पूछा ना कुछ नई की नई गाड़ी सीज कर दी, यानी कि ट्रैफिक वालों ने मेरा प्रसाद चढ़ा दिया। कौन सी गाड़ी थी? मिनी मेट्रो। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, पकड़ गया, सीज कर दिया। अब नू कह रहे 9 तारीख में लेगा जाना, इतने 2 दिन और बहू से पीटो घर पे। क्यों बहू को पीट रही? बहू तो पीटेगी, जब खर्चा नहीं मिलेगा गाड़ी बंद तो कहाँ से लाओ कमा के, उसे तो खर्चा चाहिएगा, कुछ कहीं से भी लाओ। कहाँ के रहने वाले हो? जाहिदपुर। अब इसमें जो है कप्तान साहब ने बोल दिया था, कप्तान साहब ने बोल दिया कि 9 तारीख में गाड़ी ले जाना अपनी। फिर क्या हुआ? तो ये भैया अभी कह रहे हैं कि अपनी खर्चा पानी की बात कर रहे हैं, तो भैया उन्होंने तो कप्तान साहब ने कहा सिर्फ आप 1000 रुपये की पर्ची कटवाना, अपनी गाड़ी ले जाना 9 तारीख में। खर्चे पानी की बात कौन कर रहा है? ये भैया जो गए हैं अभी, जो वहाँ बैठते हैं ट्रैफिक SSP के सामने, वो भैया हमारे। क्या कह रहे हैं? वो तो उनका तो मुँह इतना बड़ा हो रहा, फूल के खर्चा पानी ना दिया था मैंने, वैसे सोच रहे बस कोई नई बात ही हो गई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।